श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता
श्री विशाखान्विताश मूर्च मदाया कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी कथा निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर कृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानंद सुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। इस अध्याय का शीर्षक है राजा देव की कथा। प्रसंग चल रहा है कि कैसे जो ऋषिगण थे जिन्होंने नियुक्त किया था राजा बेड को अपॉइंट किया था राजगद्दी पर राज सिंहासन पर, तो वो भी वही सब विचार विमर्श कर रहे हैं कि राजा बेड के दुष्चरित्र को देखते हुए। तो हालांकि इससे पूर्व हमने देखा किस प्रकार वे प्रयास करते हैं राजा बेड को समझाने का, किंतु उसकी बुद्धि तो विपरीत थी, तो वो पूर्ण रूप से इनके आदेशों की ऋषि मुनि की जो परामर्श था तो पूर्ण रूप से उनकी अवहेलना कर रहा था। और फिर कल के श्लोक में मैत्री मुनि विदुर को संबोधित करते हुए बताते हैं कि अपने पाप में जीवन के कारण जो राजा बेड था अभी सही राह से विचलित हो गया और उसके सारे पुण्यशील हो गए। और ऋषियों की ऋषियों ने जो प्रार्थना प्रस्तुत की थी तो बिल्कुल भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था और उनकी व्यस्तना कर रहा था। तो आज जो श्लोक क्रमांक 30 में मैत्री मुनि आगे बता रहे हैं, हे विदुर तुम्हारा कल्याण हो, उस मूर्ख राजा ने अपने आप को अत्यंत विद्वान समझकर यहाँ पे शब्द प्रयुक्त हुए पंडित माने, तो जबकि वो बहुत बड़ा मूर्ख था क्योंकि वो जो अथॉरिटीज थी जो उनको सही परामर्श देने वाले ऋषि थे तो उनकी वो अवज्ञा कर रहा था। तो ये चिन्ह है मूर्खता का कि भैया अभी इसका विनाश होने ही वाला है। तो हालांकि वो मूर्ख था लेकिन वो अपने आप को विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान करने लगा और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो सभी ऋषिगण थे तो बहुत ही अत्यंत क्रुद्ध हुए। तो जनरली एक सामान्य धारणा है कि जो ब्राह्मण है मतलब ऋषि है गुरुवर है वो कभी वो तो कैसे रहते, एक साधु मतलब क्या लोग समझते हैं कि बहुत ही शांत रहेगा, हमेशा एक लंबी दाढ़ी होगी और आशीर्वाद दे रहा होगा सबको, वो तो सबको स्माइली करेगा, वो क्यों क्रुद्ध होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे स्टीरियोटाइप साधु वो नहीं थे। हम देख सकते हैं प्रभुपाद के चरित्र में हर प्रकार के इमोशंस उन्होंने एग्जिबिट किए। यदि भगवान की सेवा में बाधा होती है तो प्रभुपाद क्रुद्ध भी होते थे, और कोई अच्छे से उनकी सेवा में नियुक्त है भगवान की शरणागति लेने के प्रयास में आगे प्रगति कर रहे हैं तो प्रभुपाद प्रसन्न होते थे और बहुत एंकरेज करते थे। तो ऐसे सबने पढ़ा होगा सुना होगा कितने कितने प्रसंग आते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे जब सेवा में जब ठीक से ना हो भगवान तो उन्होंने किस प्रकार कितना कितना क्रोध प्रदर्शित किया, तो उसकी बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हमें मिलते हैं
नीलामृत में, जब वृंदावन का मंदिर खुलना था, टेम्पल ओपनिंग हुई थी जन्माष्टमी के दिन 1974 में, तो प्रभुपाद वहाँ पहुँचे कुछ दिन पहले। और जब प्रभुपाद ने देखा, अरे आप इसको ओपन करने वाले हो, ये कहाँ से, इसको कैसे पहुँच सकते हो जन्माष्टमी तक, अभी दिन ही कितने बचे और कितना काम बाकी। हालांकि सब जगह आमंत्रण बांट दिया गया था, विदेशों से भी भक्त आ रहे थे वहाँ पर टेम्पल ओपनिंग के, लेकिन जब प्रभुपाद ने देखा कि अभी तो स्थिति में है ही इस मंदिर का उद्घाटन किया जाए, तो प्रभुपाद इतने क्रोधित थे। वहाँ पर सत्सुरु महान बताते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी प्रभुपाद को फेस करने की, तो जो भी कुछ भी आर्गूमेंट प्रभुपाद एक के बाद एक काटते जा रहे थे, गुरुदास प्रभु, सुरभि प्रभु, तो सब बहुत भयभीत। और फिर हम देखते हैं जुहू में, जुहू मंदिर में तो उस समय भी मोदी अर्चने आए थे, ये मिस्टर नायक एन द्वारा, तो बहुत ही वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। और जब एक सी एस एल एग्रीमेंट प्रभुपाद ने समझौता किया था सामने वाली पार्टी के साथ, जिन्होंने उनको लैंड दिया था, और तो ऑलरेडी वो जो लैंड था डिस्प्यूटेड था, वो किसी और को दे चुका था, और जो व्यक्ति था मिस्टर एन नायर, तो बहुत ही वो इन्फ्लुएंशियल था, और पहले भी उसका जो प्रोफाइल था बहुत लोगों के साथ उसने चीट किया था। तो बाद में ये इनकी कटा है, उनके साथ एक सेल्स एग्रीमेंट बनाया ड्रॉ किया, और जब मतलब प्रभुपाद तो ट्रैवलिंग में निकल जाते थे विदेशों में यात्रा करने, प्रचार करने, तो एक बार जब भक्तों का फोन आया, हालांकि प्रभुपाद एडवाइस करके गए थे कि जो सेल्स एग्रीमेंट है कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे इसको कैंसिल नहीं करना, लेकिन इधर से जो भक्त थे सब नए थे, उनको ऐसा अनुभव नहीं था, और सामने वाला व्यक्ति तो बहुत ही बदमाश था, बहुत ही परेशान कर रहा था, तो भक्तों ने भी लॉयर से एडवाइस लेके और उसको कैंसिल कर दिया। और जब प्रभुपाद को बताया गया फ़ोन पे कि हमने तो सेल्स एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, तो प्रभुपाद ने तुरंत देन एवरीथिंग इज फिनिश्ड फट करके फ़ोन काट दिया। तो प्रभुपाद उस समय इतना मतलब उनकी इतनी मेहनत होती, और प्रभुपाद को लगा सब इन्होंने अपनी नादानी के कारण मिट्टी में मिला दिया। हालांकि फिर लीला में भी पढ़ते प्रभुपाद ने कैसे फिर पॉइंट बाई पॉइंट क्या क्या प्रोग्रेस हुई सब सोचा, और फिर अभी हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इस सेवा में, इस प्रकल्प को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी टाइम टू टाइम वो मतलब भगवान की सेवा में अगर बाधा हो रही तो निश्चित रूप से क्रोध होते थे। तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं तो क्रोध हो रहे हैं, वो क्रोध हैं क्योंकि जो राजा भी हैं तो बहुत ही दुराचारी है, वो प्रजा का शोषण कर रहे हैं, तो उसके इस दुराचार को देखें जो ऋषि मुनि हैं, जो ऋषि गण हैं, तो उनका क्रोधित होना स्वाभाविक था। और जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनका जो क्रोध होता है तो भी हमें एक लेसन देने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए होता है, तो उसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है जो हमें सीखना है, लर्न करना है। तो उनका क्रोध एक सामान्य व्यक्ति के क्रोध जैसा नहीं, उनका क्रोध भी क्या ट्रांसेंडेंटल एंगर उद्दिव्य है, और उसके पीछे एक शिक्षा चाहिए। जैसे एक बार थे प्रभुपाद एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड हॉलैंड में, तो वहाँ पर दीक्षा समारोह होना था, तो भक्त सब नए थे, विदेशी भक्त थे, और किसी को कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, तो पूरा ही मिसमैनेजमेंट था, कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं थी। और ऑल्टर में देखा तो मतलब नाम का ऑल्टर था, वहाँ पे कुछ डेकोरेशन नहीं था, तो प्रभुपाद ने एक भक्त को बुलाया कि यहाँ पर फ्रूट नहीं है, फ्रूट होने चाहिए, तो एक भक्त गए किचन में और फ्रूट काट के गए, मतलब उनको ये नहीं पता कि ऑल्टर में सजाने के लिए कटे हुए फ्रूट नहीं चाहिए होते। तो प्रभुपाद को बहुत प्रभुपाद सबको डांट देते एक एक करके। तो जब एक वहाँ पर एक नया व्यक्ति था हिप्पी, तो हिप्पी था, और उसने देखा था कि जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, जब वो मंदिर आता था तो देखता था जब भी कोई गुस्सा होता था उसको यही सलाह दी जाती है
कि तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, हरे कृष्णा जप करो। तो जब उसने देखा प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तो प्रभुपाद को बोला आप गुस्सा क्यों होते हो, हरे कृष्णा जप करो। तो प्रभुपाद जी फिर अपने ग्रीन बैग में हरे कृष्णा जप करने लगे। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर वो कोई इमेज इशू, कोई प्रेस्टीज टैग नहीं है कि भाई ये कौन है प्योर, मुझे इस कौन के फाउंडर आचार्य को जप करने के लिए बोल रहे हैं। तो जिन्होंने सिखाया सबको जप करना, तो हम समझ सकते हैं ये जो प्रभुपाद जी और ये सब शुद्ध भक्त हैं, तो उनका जो क्रोध है वो एक मेटेरियल एंगर, वो सामान्य कामेश्वर पूर्ण न होने की वैसे वाला क्रोध नहीं है। भगवान की सेवा में बाधा आने के कारण जो दिव्य ये सब ट्रांसमिटेड इमोशंस हैं जो कि शुद्ध भक्त प्रदर्शित करते हैं। और फिर ये 31वें श्लोक में तो सब ऋषि सब विचार कर रहे हैं कि अभी इसको इसको मारने का समय आ गया है, हन्यताम हन्यताम हमेशा इसको मार डालो, क्योंकि ये बहुत ही भयावह और पापी पुरुष है। तो यदि ये जीवित रहेगा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। तो यहाँ पर तो भले ही ऋषि वो उद्यत हैं, तैयार है वेन का वध करने के लिए, तो अभी आगे हम देखेंगे कैसे वो अपने शब्दों द्वारा, उनमें ऐसी शक्ति है कि वो अपने श्राप से अपने शब्दों से फिर अल्टीमेटली उसको मार डालते हैं। लेकिन समझना है कि जो ऋषि हैं, ये जो महान पुरुष हैं, तो इनका जो श्राप है उसमें भी हिति छुला छिपा है। इसमें चाहे वो किसी को श्रापित करें या वरदान दें, तो हर स्थिति में वो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको श्राप या वरदान दें तो इसका हिति होने वाला है। तो हम देखते हैं ऐसे उदाहरण हमें भागवतम में अन्यत्र प्राप्त होते हैं कि जैसे नारद मुनि ने जब देखा था किनको, कुबेर के पुत्रों को, नल कुबेर और मणिग्रीव को, कि कैसे वो मद में मत होकर शराब पीकर इतने ज़्यादा भोगलास में डूबे हुए थे, स्त्रियों के साथ वो क्रीड़ाएँ कर रहे थे कि उनको पता ही नहीं चला कि नारद मुनि गुजर रहे और वो पूर्णतः नग्न। उनको लगा कि तो नारद मुनि को लगा इनकी चेतना तो कितनी अधम है, तो इनके लिए निम्न योनि उपयुक्त है। तो उन्होंने शराब पे डाला क्या कि तुम वृक्ष पेड़ योनि में चले लो, लेकिन उसमें भी उनका कल्याण था तो काम वृक्ष बने। या पटेल नगर या ऐसे रोड में नहीं, कहाँ पे भगवान के धाम में, तो उनको अवसर मिला भगवान के साक्षात दर्शन करने का, लीला के साक्षी रहे। तो हम देख सकते हैं सौभाग्य तो श्राप नहीं था, रूपा लिख रहे जिस वजह बेनेडिक्शन कम कर्ज, तो नाम का वो कर्ज था असली तो एक वरदान था बेनेडिक्शन का। तो ऐसे 8वें स्कंध में एक गजेंद्र का जो कथा आता है कि उनको भी वो पिछले जन्म में कौन थे राजेंद्र दिन, तो उनको भी भगत से ऋषि का श्राप मिला था जिसके कारण उनको एक हस्ती होगी आदि योनि प्राप्त हुई। और फिर कैसे वो फिर जब संकट में होते हैं और भगवान को सुंदर स्तुतियाँ अर्पित करते हैं, और भगवान देखा होगा अपने चित्र है यहाँ पर, तो कैसे गरुड़ पर आरोहित होकर भगवान आते और इनको अपने धाम वापस ले जाते हैं। तो साधु पुरुष अगर किन्हीं को वरदान दे या श्राप दे तो उसमें इनका हित ही छिपा है। जिससे द्रौपदी एक उदाहरण देते थे कि एक बार एक जो साधु है वो अलग 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 प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार का वरदान देता है। तो सबसे पहले उनको एक राजा के पुत्र मिलते हैं, तो साधु पुरुष क्या वरदान देता है उनको, राजपुत्र चिरंजीवी तुम लंबा जीवन। फिर एक ब्रह्मचारी मिल जाता है तो उनको आशीर्वाद देते हैं मुनि पुत्र माँ जीव। फिर एक कसाई मिलता है तो उसको आशीर्वाद देते हैं माँ जीवा माँ मरो। और एक भक्त को जीवो वा मरो वा, तो फिर वो समझाते हैं कि अलग अलग आशीर्वाद क्यों प्रदान किए गए, कि जो राजा का पुत्र है वो तो लिप्त है अभी भोग विलास में, तो मरने के बाद तो उसका क्या बहुत दुर्गति होने वाली है, तो अच्छा है कि इस जन्म में जितना एंजॉय कर लो जीते जी जितना भोग लो, सामान्य लोग की फिलोसफी में क्या ई ड्रिंक एंड बी मैरी, तो अभी जो भोगना है भोग लो, मरने के बाद तो आपके लिए
बहुत ही यातनाएं सहन करनी पड़ी। फिर एक मुनि पुत्र जो भी नया नया अध्यात्मिकता के पथ पर आगंतुक हुआ है, स्टार्ट किया जिसने स्पिरिचुअल पाथ को, तो उसको कहने पता नहीं आगे जाके कितना तुम चल पाओगे नहीं चल पाओगे। तो अभी तुमने शुरुआत की है तो अच्छा है, मर जाओ। तो जो भी अपने स्पिरिचुअल मेरिट्स ज्वाइन किया है, कमाया है सत्कृत्य, तो उसके प्रभाव से आपको अगले जीवन में नाम लाभ मिलेगा। फिर एक कसाई को क्या आशीर्वाद देते हैं, माँ जीवा माँ मरा, क्योंकि तुम जियोगे तो पशुओं को मारोगे, अत्याचार करोगे और मरोगे तो नरक का रास्ता तो खुला ही है, तो इसलिए ना जियो ना मरो। और एक भक्त को आशीर्वाद देते हैं जियो वा मरो, तो भक्त चाहे जिए या मरे उससे डर नहीं, तो इस जीवन में भी वो कृष्ण की सेवा में पूर्णतया तत्पर है। और फिर अगले भी जन्म में चाहे वो किसी और इस भौतिक संसार में जन्म लिया भगवान के धाम में जाए, तो फिर वे वही एक्टिविटीज उसकी कंटिन्यू होती रहेगी, भगवान की सेवा में भी वो पूर्णतया युक्त रहेगा। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, लिखते हैं कि साधु पुरुष सामान्यतः सभी जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं, किंतु यदि कोई सर्प या बिच्छू मार दिया जाए तो वे दुखी नहीं होते। तो साधु का तो स्वभाव ही होता है दे आर सॉफ्ट हार्टेड, पर दुख दुखी, तो किसी भी जीवात्मा को वो कष्ट में नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर किसी सांप या बिच्छू को मारा जाए तो दुखी नहीं होते, उल्टा वो प्रसन्न होते। तो ऐसे हमें प्रसन्न प्राप्त होते हैं कि कैसे जो साधु पुरुष होते हैं, मतलब वो चाहे कोई तुमसे कुछ जीवात्मा क्यों ना हो तो उनके प्रति भी वो हिंसा नहीं करना चाहते, तो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं कि जो जीव है तो ये भी भगवान का अंश है, भगवान का पार्ट है पार्सल, तो उसको तो उसके प्रति वो कभी भी अहित वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं भागवतम के पंचम स्कंध में प्रसंग आएगा जड़ भरत का, कि जब राजा रघुगुण जब अपनी पालकी में जा रहे थे और उनमें से जो एक जो पालकी कैरी करने वाला था, तो जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ा, मतलब वो ठीक स्थिति में नहीं था, तो उसके स्थान पर उनके सेवक थे राजा के, तो जड़ भरत को पकड़ के ले आए कि बहुत मोटा ताजा तो अच्छे से कैरी कर लेगा पालकी। लेकिन जब उन्होंने कैरी करना चालू किया तो पूरा कांपने लगा, मतलब बहुत ही वाइब्रेटेड दूर रही थी पालकी। तो जब राजा ने पूछा कि ये क्या कारण है, मतलब तो फिर सेवको ने बताया कि ऐसे ऐसे हमने एक नया व्यक्ति को रखा है, तो उसकी वजह से ये जो पालकी है वो स्थिर नहीं है। तो पालकी क्यों हिल रही थी, कि जो जड़ भरत थे वो देख रहे थे कि भाई उनके पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। तो देख सकते कितने कॉन्शियस है कि हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है, तो किसी के प्रति हिंसा ना हो। चैतन्य चरितामृत में भी हमें उदाहरण प्राप्त होता है किनका, निगारी का। तो निगारी की कथा स्वयं मंडलाते महाप्रभु सुना रहे कि कैसे प्रयागराज में एक बार नारद मुनि विचरण कर रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कैसे बहुत सारे जो पक्षी हैं वहाँ पशु हैं वो अर्ध मरे पड़े हैं, वो तड़फ रहे हैं, मतलब उनके प्राण संकट में और वो मृत्यु के निकट और तड़फ रहे। तो जब उनको जानने का प्रयास किया तो पता चला कि एक शिकारी है निगारी नाम का, जिसने उनको क्या बाण से घेर लिया और फिर आधा मरा छोड़ दिया। और जब वो जो पशु में तड़फ रहे तो वो देख के उसको बहुत आनंद आता है, मतलब तो नारमुनी तो वैसे ही मतलब एक पर दुख दुखी, तो किसी का दुख देख नहीं सकते। और जब इस प्रकार ऐसी भयावह स्थिति में जब उन्होंने देखा उन पशुओं को पक्षियों को, तो उनके सामने प्रस्ताव रखा भिखारी के सामने, बहुत ही क्रूर था, निशंस था। तो नारद ने कहा कि तुम ये जो कार्य करते हो उसका बहुत ही घोर परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आप मारना भी चाहते हो तो कम से कम इतना करो कि उनको पूरा ही मार दो, इस तरह आधा मरा छोड़ के
अब ऐसा क्यों कर रहे हो उनको, आधा बड़ा तड़फने के लिए छोड़ दो। तो बोला कि भाई मेरा ऐसा ही ट्रेनिंग हुआ है, मेरे पिताजी भी यही करते थे, उनसे मैंने यही सीखा। तो समझ सकते हैं मतलब कितना घोर तमोगुण में कैसे चेतना दी हो। पर नारद मुनि तो बहुत कृपालु है, दयाशील है। दोनों ने कहा कि मैं आपको एक युक्ति बता दूँ कि अगर इसके लिए मतलब आप ये सब जो आप कार्य कर रहे हो तो इसकी वजह से आपको बहुत ही सफरिंग घोर यात्रा मिलेगी। तो लेकिन वो निगारी ने आर्गुमेंट रखा कि भाई अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से, यही तो मेरा जीविका का सोर्स है। तो नारद मुनि का ठीक है, मैं आपको दूसरा बिजनेस बताता हूँ, आप दूसरा धंधा कर सकते हो लेकिन इसको छोड़ो। तो नारद मुनि के कहने पर वो अपना धनुष बाण वो छोड़ आया संगम में त्रिवेणी पे, और फिर नारद मुनि के सामने कहा ठीक है अभी बताइए मुझे क्या करना है। तो नारद मुनि क्या कहा, ये लो पकड़ो बीट बैग और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसको कहा कि जो भी आपकी धन संपत्ति जो आपने चोरी करके कमाई वो सब बांट डालो, और अब आप और आपकी पत्नी मिलके हरे कृष्णा जप करो, तुलसी महानी का रोपण करो और सामने बैठ के जप करो उनके। तो जब ये न्यूज़ फैली थी इस प्रकार, मतलब एक इतना निशान सत्याराम इतना क्रूर शिकारी अभी वो साधु बन गए हरे कृष्णा जप कर, उसने सब ये शिकार करना छोड़ दिया। तो लोग दूर दूर से आने लगे उसके लिए, उसके दर्शन करने, और कुछ ना कुछ पहले सभ्यता थी तो किसी साधु के पास जा रहे थे कुछ उपहार भेंट ले। तो इसके बाद इतना सरप्रस हो गया मतलब ये अभी वो बांटने लगा। तो एक समय सोच रहा था कि भाई अगर मैं ये मारना छोड़ दूंगा तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कौन मुझे पालेगा। लेकिन कृष्ण पालने वाले हैं सबको, तो अभी उसके पास तो एक्स्ट्रा आने लगा और वो वितरण करने लगा। तो एक बार फिर जब वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ, तो बताया कि यहाँ पर एक मेरे शिष्य हैं तो तुम आप चलना देखना चाहोगे उनको, तो हाँ जरूर। तो जैसे ही नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ वहाँ पर उतरते हैं, पहुँचते हैं उस स्थान पर, और निगारी दूर से उनके दर्शन करते हैं। तो जैसे ही दर्शन करते हैं तो वो तुरंत उनको प्रणाम करने के लिए, दंडवत करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही वो साष्टांग करने लगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जमीन पर कुछ चींटियाँ चल रही होती हैं। तो पहले वो अपने कपड़े से उतरिए से वो चींटियों को हटाते हैं और फिर उनको ऐसे साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो हम देख सकते हैं मतलब जो ऐसा, तो एक समय पर वो शिकारी जो कि पशुओं को आधा मरा छोड़ के तड़फता हुआ देख के उसको आनंद मिल रहा था, तो भी वो एक चींटी जैसे तो जीव को भी कष्ट ही देना चाहता। तो साल मतलब कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई ये भक्ति की क्रियाओं में अग्रसर होता है, इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो कैसे उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो साधु ऋषि वो किसी भी जीवात्मा के प्रति हिंसा का भाव या किन्हीं को भी कष्ट में नहीं देख सकते। लेकिन ऐसे लोग भी जब सांप या बिच्छू की मृत्यु होती है उनका वध किया जाता है तो वे भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो सांप और बिच्छू क्या है वो इतने विषैले हैं तो सबको कष्ट देने वाले, तो उनकी हत्या पर जो साधु भी हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में उल्लेख आता है कि कैसे जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ नरसिंह भगवान द्वारा, तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को स्तुति अर्पित कर रहे हैं। तो उसमें से एक स्तुति है जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं यदि मन्युम असुरश्चयाद्य मोदेत साधु अभी निश्चिक सर्वहत्या लोकाश्च निवृत्य मिता प्रतीयन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभ्याय जना स्मरन्ति। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं हे नरसिंह देव भगवान अब आप अपना क्रोध त्याग दें, क्योंकि मेरे पिता महासुर हिरण्यकश्यपु मारे जा चुके हैं। चूंकि साधु पुरुष भी सांप या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न होते हैं, अतः इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को परम संतोष हुआ है। तो सभी लोग संतुष्ट हैं हिरण्यकश्यपु की मृत्यु से, अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणकर अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। तो हिरण्यकश्यपु तो मतलब सांप और बिच्छू उनसे भी अधिक निकृष्ट प्राणी था, तो
रानी कृष्ण इतना अलग रखी, उनके मारे जाने पर सभी लोग संतुष्ट हैं। राज महाराज खुद उनके पिता और उनके पुत्र वो किनको नरसिंह भगवान, जिन्होंने उनके पिता का हत्या किया, उनको खुद पुष्प माला अर्पण कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना मतलब कितना गए गुजरे, मतलब कितने निकृष्ट कितने अधम था वो असुर। जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं कि जो सांप या बिच्छू है, सांप होते हैं तो बहुत ही वो विषैला है, तो बहुत ही वो निकृष्ट है, बहुत ही भयावह है, किसी को भी कभी भी काट सकते हैं। लेकिन जो सर जैसा व्यक्ति है, मतलब जिसके हृदय में द्वेष भरा है, तो ऐसे भी वो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि सांप को तो फिर भी स्नेक चामर्स होते हैं, वो मंत्रों की शक्ति द्वारा या कुछ उनके पास कुछ जड़ी बूटियाँ रहती हैं, तो उससे वो सांप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक शालु व्यक्ति है, सर जैसी चेतना जैसे, इसको तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता। तो ऐसे व्यक्ति तो सांप से भी अधिक गए गुजरे हैं, अधम है, निकृष्ट है। एक बार प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे वो मायापुर में थे, चैतन्य गौड़ीय मठ में, और उस समय उन्होंने देखा कि मठ में अचानक एक सांप आ गया। यहाँ भी आ जाते हैं ना, उस दिन पहले आए थे तो यहाँ पर उस दिन कैसे गौड़ीय मठ में सर्प आया, और फिर भक्तियाँ सरस्वती उनके जो गुरु थे वो ऊपर के फ्लोर पे थे, और जैसे उन्होंने देखा और अपने शिष्यों को आदेश दिया कि इसको मार डालो, तो प्रभुपाद बताते कि उनको लगा कि उस समय मतलब तब मतलब प्रभुपाद जी अपने घर जीवन में थे, तो पहले की घटना, तो प्रभुपाद को ऐसा लगा कि मतलब उनके गुरु महाराज ऐसा क्यों आदेश दे रहे हैं एक जीव की हत्या करने का। तो बाद में जब वो ये श्लोक भगवत गीता पढ़ते हैं, अफकोर्स प्रभुपाद जी सब कैसे पाए, तो वो ऐसा लीला प्रदर्शित कर रहे हैं। जब बाद में उन्होंने वो श्लोक पढ़ा तो उनको रिलाइज हुआ, अच्छा तो उनके गुरु ने वैसा एक्शन क्यों लिया था। और तो एक और सर जैसे व्यक्ति का उल्लेख प्रभुपाद लीला में मिलता है, कौन? मिस्टर एन, मिस्टर नायर। तो गिरिराज महाराज उस समय जब ये सब जूह मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उस समय वो टेंपल प्रेसिडेंट थे, और बहुत ही कष्ट उनके द्वारा मिस्टर एन बहुत ही परेशान कर रहे थे किसी ना किसी चीज़ को लेकर, मतलब भक्तों के लिए बहुत समस्या खड़ी कर रहे थे। तो एक बार एक दिन सब भक्त जाते थे कलेक्शन में, तो गिरिराज महाराज भी एक बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में एक जगह है धोबी तालाब करके, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे थे, और रास्ते में देखा उन्होंने सिनेमा घर होते हैं, तो एक मेट्रो सिनेमा है और उसके बाहर लोग बैठे होते हैं कुछ न्यूज़पेपर या कुछ मैगजीन देखे। तो मतलब उस दिन महाराज की पता नहीं क्यों अचानक, मतलब वैसे कभी हुआ नहीं, लेकिन उस दिन महाराज को लगा कि आज मैं देखता हूँ क्या खबर है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर देखा और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज़ थी, ए बी नायर डेड, वो जो नायर था वो मारा गया, मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो बड़ी बड़ी हेडलाइन थी और नीचे बड़ी सी फोटो थी, तो भारत ज्योति करके वो न्यूज़पेपर था, मतलब वो उसका एडिटर ही था, तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल था। तो जब ये महाराज गिरिराज महाराज ने ये न्यूज़ पढ़ी तो उनका तो मनवा खुशी से नाच लेगा, लेकिन वो अपने आप को मतलब संभाल ही पाते, मतलब खुश तो बहुत हुए, लेकिन उनको लगा कि बस फिर अचानक दूसरा विचार आया कि मतलब कि भाई मैं तो साधु बनने का प्रयास करूँ, भक्त बनने का प्रयास करूँ, और किसी के मरने पे मुझे शोक करना चाहिए, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, क्या अच्छा है, तो ऐसा विचार करने लगे। और खैर जो भी, उन्होंने कहा कि अभी मैं वापस जाता हूँ मंदिर जो हूँ और जाके भक्तों को ये समाचार देता हूँ। तो लेकिन वो पहुँचे तो वहाँ तो ऑलरेडी कीर्तन चल रहा है, भक्त मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो ऑलरेडी वहाँ तो खबर पहुँच चुकी थी कि नायर मारे गए। तो वहाँ पर बलिवर्धन प्रभु थे उस समय जो सबसे वरिष्ठ भक्त थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, उस समय प्रभुपाद इंडिया में नहीं थे, ऑकलैंड में थे, और प्रभुपाद को मतलब फ़ोन किया गया और बताया गया कि ऐसे ऐसे मिस्टर नायर मारा गया। तो प्रभुपाद को जैसे ही खबर मिली, उस समय प्रभुपाद मसाज ले रहे थे, तो जैसे ही ये समाचार मिला प्रभुपाद ने दोनों हाथों पर उठा लिया, वो थैंक यू कृष्णा, आपसे प्रार्थना ही करता था कृष्ण से कि ससुर का कुछ करो, इसने बहुत
बहुत बहुत कष्ट दिया भक्तों को, बहुत तंग किया है। तो लास्ट टाइम जब प्रभुपाद के साथ उसका बहस हुआ था, वर्बल आर्गुमेंट हुआ था, तो उसने ऐसा बोला था कि मैं तुम्हारे कृष्ण को टांगे फेंक दूंगा, आई विल ब्रेक योर कृष्ण। और अभी राधा राज बिहारी ने उसको भी उठा के उसको उठा दिया। तो सब खुश थे उस न्यूज से। और फिर प्रभुपाद ने यही वाला वर्ड स्पोर्ट किया था ना, यानी कश्यप की मृत्यु पे जो राधा राज स्तुति कर रहे हैं, और कहा कि जो नायक था बहुत बड़ा साफ था, तो अच्छा हुआ वो मारा गया। और फिर जो प्रभुपाद के शिष्य थे उस समय शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद के सर्वेंट थे, उन्होंने प्रश्न किया कि भाई कृष्ण के द्वारा मतलब कृष्ण के अरेंजमेंट से वो मारा गया, वो कृष्ण को मारना चाहता था, मतलब उनको बाहर करना चाहता था, और भगवान ने उसको ही इस जगत से बाहर कर दिया। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रश्न करते कि क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, वो कोई इतना बड़ा असुर थोड़ा था जो कृष्ण खुद उसको मारने आए, वो तो जो कृष्ण पर्सनली जिनको मारते हैं वो भगवान की लीलाओं में उन असुरों को मुक्ति मिलती है, उसको नहीं मिलेगी मुक्ति। और फिर प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा बॉम्बे के भक्तों को, और मतलब गिरिराज महाराज बार बार सोच रहे थे कि जब उनको पहली बार न्यूज़ पड़ी तो वो खुश हुए थे, लेकिन उनको लगा कि भाई इस प्रकार खुशी होना अच्छा है। फिर जब वो देखते हैं भक्त मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, फिर किसी के मरने पे इस प्रकार खुशियाँ मनाना अच्छा है क्या? लेकिन प्रभुपाद का फिर लेटर है और उस पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत ही गुड न्यूज़ है कि नरसिंहदेव भगवान ने नायर को उठा दिया, तो सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुख का समाचार है। तो भला कि मतलब उनके लिए हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की संतुष्टि उनकी सेवा में वही प्रधानता है भक्तों के जीवन में। तो उसके लिए जो आड़े आने वाले लोग हैं, तो अगर उनकी मतलब वो हट रहे हैं, मतलब उनको भगवान सफाया कर रहे हैं, तो भक्तों के लिए तो ये खुशी का प्रसंग है, शुभ समाचार है। प्रभुपाद आगे बताते तत्पहले साधु पुरुषों के लिए व्रत करना ठीक नहीं, किंतु वे असुरों का वध करने हेतु प्रोत्साहित होते रहते हैं, क्योंकि वे सर्पों तथा वृक्षों के समान होते हैं। तो ऐसे जो असुर लोग होते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो वो सर्प और वृक्षों के समान हैं, उनसे भी निकृष्ट हैं। तो इसलिए सब ऋषियों ने निश्चय किया कि राजा वेग का वध कर दिया जाए जो मानव समाज के लिए इतना भयावह था। आगे प्रभुपाद बता रहे कि यदि कोई राजा या सरकार आसीन हो जाए तो साधु पुरुष का कर्तव्य है कि सरकार को पलटकर उसके स्थान पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को आसीन कराए जो साधु पुरुषों की आज्ञाओं एवं उपदेशों का पालन कर सके। तो जैसे कल भी हम सुन रहे थे कि ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप से जो ऐसी प्रणाली होती थी कि जो मतलब जो ब्राह्मण है वो नियंत्रित होंगे, मतलब हर कोई अधीनता रहता था, अधीनता में रहता था। तो जो ब्राह्मण थे वो शास्त्रों और अपने जो गुरु हैं, जो वरिष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में रहेंगे, और फिर वो आगे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे क्षत्रियों को, और फिर क्षत्रिय अधीन के अधीन रहेंगे कौन, वैश्य, और वैश्य के अधीन रहेंगे शूद्र। तो हर कोई किसी न किसी के संरक्षण में अधीनता स्वीकार करता था। तो इस कारण समाज का एक बहुत ही सुचारू रूप से संचालन हो सकता था। तो लेकिन ये जो राजा वेग था, तो क्योंकि वो तो ब्राह्मणों का तो उसने ब्राह्मणों की अधीनता उनके जो निर्देश था तो उनको स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो इसलिए मतलब वो ऑलरेडी मतलब कंडेम्ड है। हालांकि हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे ये जो ऋषि हैं, जो साधु पुरुष हैं, वो अपने अपने तेज द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपनी वाणी से उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन क्योंकि वो मतलब भगवान से द्वेष कर रहे हैं, जैसे हमने देखा पहले के श्लोकों में, और जो उनको गुड एडवाइस दी जा रही है सेजेस के द्वारा, साधुओं के द्वारा उनको जो अच्छा परामर्श दिया जा रहा है, तो उसको स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो
इज ऑलरेडी डेड, वो एज गुड एज डेड। तो जिसके जीवन में कोई एक श्रेष्ठ सत्ता नहीं है, उसको मार्गदर्शन देने वाला कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, तो उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो ऑलरेडी मरा ही है, मृत का ही है, तो वो तो फिर ठीक है स्टाफ के द्वारा लिटरली वो फिजिकली मारा जाएगा, लेकिन वो जीते जीते भी क्या है, वो लिविंग डेथ, वो जिंदा लाश ही है, उसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। हम देखते हैं भागवतम के दशम स्कंद में, दशम स्कंद के चौथे अध्याय के 46वें श्लोक में, तो जहाँ पर कंस के दुराचार का वर्णन आता है, तो उन सबका व्याख्यान करते हुए फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे, आयुष्यम यशो धर्म लोकान आशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो मद अतिक्रम, कि जो भी मद मतलब जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, ग्रेट कौन है, जो कृष्ण से कनेक्टेड है, सुप्रीम ग्रेट है, तो उनके उनसे जो कनेक्टेड जो अथॉरिटीज है, मद मद जो महान पुरुष है, तो जो उनका अतिक्रम करता है, उनकी उनको डिसोबे करता है, उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट रखता है, तो उसकी ये सब उसकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ आयुषहीन हो जाती है, उसको कभी यश नहीं प्राप्त हो सकता, उसकी सुंदरता क्षीण होगी, वो कभी भी धर्म का आचरण नहीं कर पाएगा और कभी उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा और कभी भी उसको मृत्यु के बाद कुछ लोगों में नहीं जाएगा, उसका कभी एलिवेशन नहीं होगा, हमेशा डिग्रेडेशन होगा हर रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो मत है, जो सत्पुरुष है, उनका अतिक्रमण कर रहा है। तो अभी तो वे मोदी दुराचारी थे, और क्योंकि वो साधु के प्रति, साधु पुरुषों के प्रति कैसे कहें, रिस्पेक्टफुल नहीं था, उनकी अवमानना कर रहा था, तो अभी निश्चित था कि अभी उसका भी ये सब चीज़ें शीघ्र होने वाली है और उसका भी अंत निकट है। और हम देखेंगे कुछ लोगों बाद कि कैसे थे साधु पुरुष अपने शब्दों द्वारा इसका इसका नाश करते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं साधु पुरुष का कर्तव्य है कि यदि कोई आसरी व्यक्ति आ जाए तो उसके उसको पलटकर उसके स्थान पर योग्य व्यक्ति को आसीन कराए। तो जल्दी जो जो सेजेज हैं उनको पॉलिटिक्स में जैसे पॉलिटिकल मैटर्स में उनका कोई रुचि नहीं है, कुछ विशेष इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो चिंतित है जन कल्याण है, तो अभी जो मतलब जो भी रूल कर रहा है, जो भी राजा है, गवर्नमेंट है, तो उसका जो साम्राज्य है कैसे वो रूल कर रहा है, तो अफेक्ट करेगा ना सिटीजन्स को, सरकार ही सब पॉलिसी बनाती है ना। तो क्योंकि जो साधु पुरुष है वो चिंतित है जन कल्याण के लिए, तो हालांकि इन पॉलिटिकल मैटर्स में रुचि न होने के कारण वो कभी कभी उसमें पार्ट लेंगे, उनको पॉलिटिक फील्ड में उतरेंगे ताकि वो एक उपयुक्त स्टेप्स, एक उपयुक्त कदम उठा सके, वो जो दिग्भ्रमित सरकार है उसको सही दिशा प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हालांकि वो जो पहले भी था ना, चाहे वो सेजेस थे, मतलब वो सब ऋषि थे, वो खुद भी राजा अंग के जाने के बाद चाहे वो खुद भी शासन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनकी रुचि नहीं होती तो उन्होंने वेद को अपॉइंट किया, और क्योंकि वेद जब जैसा उनसे अपेक्षित था तो वैसा व्यवहार जब उनके द्वारा प्रदर्शित नहीं हुआ, तो उन्होंने लोगों का कल्याण किया कि जो लोग जो कि त्रस्त हैं उसके वो मिस गवर्नमेंट से, तो उनको उनको कैसे उनका कैसे हित किया जाए, तो इस कारण वो फिर इंटरफेयर करते हैं और अंततः फिर वो राजा वेद का नाश करेंगे। इस प्रसंग में तो उन्होंने हम आगे देखेंगे कैसे वो अपने सिंपली बाय द पावर ऑफ वर्ड्स, अपने शब्दों द्वारा, अपने वाक अस्त्र, एक वाणी का अस्त्र, तो इसके द्वारा ही उन्होंने उनको एक फिजिकल वेपन की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो उन्होंने अपने वाक अस्त्र द्वारा, अपने श्राप द्वारा ही राजा वेद का अंत कर दिया। लेकिन अभी के समय में तो ऐसे ब्राह्मण हैं तो कलयुग से पहले होता था, हम देखते हैं जैसे श्रृंगी ऋषि, तो जब उनके पिता के गले में परीक्षित महाराज ने वो मरा हुआ सांप डाल दिया था, तो उनमें वो शक्ति थी, हालांकि वो छोटे से बालक थे और खेल खेल में उन्होंने वो श्राप ले डाला कि आज से 7 दिन बाद वो तक्षक नाम का जो सर है वो परीक्षित महाराज को डस लेगा और उनकी मृत्यु होगी, तो ऐसी शक्ति होती थी ब्राह्मण। लेकिन
अभी के समय में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई कह रहे थे क्या कि गरम गरम पानी को छीट के आप मारोगे तो थोड़ा आग लग जाएगी। तो भले ही हम कितना बोल दें ठीक है ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो समय गया जब ब्राह्मण की शक्ति होती थी कि बोले और कुछ कर दे, तो जैसे गर्म पानी छीटे हमारे से आग नहीं लगने वाली ना। तो अभी के समय में संभव ही है कि साधु अपने शब्दों से ही, ब्राह्मण अपने शब्दों से ही वो कुछ कुछ तख्ता बदल दे या फिर कुछ विशेष परिवर्तन कर दे। लेकिन परिवर्तन का जो बेस्ट सोर्स है अभी के समय में वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो इससे सभी की चेतना इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, तो सबकी व्यक्तिगत चेतना भी शुद्ध होगी और जो पूरा का पूरा वातावरण है वो भी प्योरीफाई होगा। वो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही कहेगा, कलो नास्ते 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 गतिरमिता। तो इसके वाइड स्केल प्रोपोगेशन से, इसके संकीर्तन से जितना जितना इस हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाया जाएगा तो उतना ही कल्याणप्रद मंगलमय होगा सभी जीवों के लिए, ना केवल मानव जाति के लिए अपितु सभी योनियों के लिए। तो यहाँ पर हम चित्र देख सकते हैं ना कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में थे तो वहाँ पर शेर और जो शेर के लिए जो शिकार खा करने वाले सब जीव हैं, अन्य जानवर लोग सब नृत्य कर रहे हैं, तो सब अपना द्वेष छोड़ बैठे। तो इतनी शक्ति है भगवान के नामों में, और विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, तो ये तो असुरोपरि की जो आसुरी मेंटेलिटी है, जो सांप जैसी मेंटेलिटी है ना द्वेष करने के जो भाव है, तो जो डिमोनिक मेंटेलिटी है उसको किल करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन। वरना तो भौतिक जगत तो क्या है, हर कोई इन सभी अवगुणों काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या से भरा हुआ है। हम देख सकते हैं छोटे थे तो तब भी क्या सीखा था, वो स्कूल में पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में हो उसके मार्क्स उनसे ज़्यादा आ गए तो ईर्ष्या होने लगती ना, या उसका फिर जब जॉब लगी तो उसका पैकेज उसका CTC मुझसे ज़्यादा कैसे हो गया, फिर उसका बंगला मुझसे बड़ा कैसे हो गया, उसकी पत्नी मुझसे सुंदर कैसे है, मतलब पूरा बौद्धिक जगत में द्वेष ही द्वेष है ना, ईर्ष्या से भरा पड़ा। मतलब एक बार कोई भक्त बता रहे थे एक प्रसंग, मतलब व्यक्ति कितना द्वेष करते हैं तो एक किस कदर तक पहुंच जाते हैं, और एनवी के मामले में तो मतलब एक व्यक्ति था जो अपने पड़ोसी से बहुत ही जलता था, तो उसने एक बार क्या उपाय किया ठीक है अभी मैं पहले के समय की बात है, तो उसने कुछ तपस्या करके किसी देवता को संतुष्ट कर लिया, और वो देवता प्रकट होकर बोला क्या वरदान चाहिए तुम्हें, तो कहते जो मैं मांगूंगा वो दोगे, हाँ दूंगा लेकिन एक शर्त पे, अब जो मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो बोले कि ठीक है आज मांगे देखते हैं भाई सही कह रहे नहीं कह रहे। तो उन्होंने एक कार मांगी तो पड़ोसी को दो कार मिल गई, उन्होंने एक बंगला मांगा तो पड़ोसी के पास दो बंगले, तो और ज़्यादा बोलने लगा, मतलब वैसे ही द्वेषी था और अभी द्वेष से और जलने लगा। तो उसने कहा कि ठीक है मेरी एक आँख छोड़ दो, तो फिर पड़ोसी के दोनों आँखें, तो मतलब पूरा बौद्धिक जगत में हम कृष्ण से द्वेष करके आए और वही द्वेष अलग अलग रूप से यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें समझना कि एक बार एक प्रभुपाद जी बता रहे थे, मतलब प्रभुपाद इज द परफेक्ट स्नेक चार्मर, तो हमारी जो मतलब अपने जीवन में तो मैं बोल सकता हूँ कितना द्वेष भरा था, तो प्रभा जी की कृपा से वो जो द्वेष है वो ईर्ष्या का भाव धीरे धीरे कम हो रहा है, विशुद्धिकरण चल रहा है। तो प्रभा जी वो जानते हैं कैसे भक्त बता रहे थे प्रभा जी से, कैसे हम सब थे वो सब लाइक वी वर लाइक एनवियस लाइक स्नेक्स, और प्रभा जी आए उन्होंने वो ट्रॉम्पियंस को आए बाग में हरे कृष्ण की धुन, जैसे एक होता है ना एक स्नेक चामर होता है, तो कैसे वो मधुर ध्वनि द्वारा सब सांप को नियंत्रित कर देते। तो प्रभुपाद जी ने सुंदर हरे कृष्ण धुन से भगवद गीता पे उपदेश देके और वो इस्कॉन बुलेट्स देके कैसे सबका हृदय सब सेक्स की एनवी को सबका द्वेष खत्म कर दिया। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन में उदाहरण आते हैं कि कैसे एक समय था जब वो एक पेड़ के नीचे रहते थे, और उसी पेड़ में एक होल था एक छिद्र था जो सांप का बिल था, जहाँ पे सांप रहता था।
लेकिन हरिदास ठाकुर को तो परवाह नहीं, उनके हृदय में कोई किसी के प्रति इच्छा नहीं, और वो सांप को भी फिर उनसे कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो देख सकते हैं मतलब शुद्ध भक्त के संग से एक एक सांप से थोड़ा इच्छालु जीव भी परिवर्तित हो सकता है। तो एनी हाउ लोग उनसे मिलने आते हरिदास ठाकुर से, और मतलब लेकिन उनको भय रहता था कि भाई हरिदास ठाकुर रहते हैं तो पास में एक सांप भी रहता है तो ठीक है, उनको तो डर नहीं, लेकिन हमें तो डर लगता है, पता नहीं कब डस ले सांप का क्या भरोसा, उसका तो नेचर ही है। वो एक कथा थे स्वभाव ही सर्व, जो स्वभाव है वो मूर्धना वर्तते, वो सभी गुणों को लांघकर स्वभाव सर के ऊपर रहता है। तो कहे कोई कितना भी मतलब कोई सांप आपको कितना भी बोल दे ठीक है मैं नहीं काटूंगा नहीं काटूंगा नहीं काटूंगा, हजार बार बोल दे लेकिन अल्टीमेटली काटेगा ही, क्योंकि वो स्वभाव है उसका। तो सभी गुणों को छोड़ के स्वभाव तो सर पे आ गया, लेकिन शुद्ध भक्त दे आर एन एक्सेप्शन। उनके सामने जैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के सामने सबका एन भी बदल गया। तो लोग आते थे और उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप अपना प्लेस चेंज कर दीजिए, मतलब क्योंकि हर सब लोग तो नहीं आ पाएंगे स्थान पर जहाँ पे साफ रहेगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, मतलब उनको तो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि फिर लोग हिचकिचा रहे थे उनसे आने मिलने में, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा विचार किया कि मैं कल आ जाता हूँ, ठीक है कल सुबह ही मैं स्थान को छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा। तो रातों रात क्या होता है, मतलब वो सांप सबके देखे हुए वो इस बिल से बाहर निकलता है और वो सांप उस स्थान को छोड़ के चला जाता है। तो हम समझ सकते हैं ना, कृष्ण तो सबके हृदय में है ही परमात्मा रूप में, तो उन्होंने उस सर्प को प्रेरित किया कि भाई एक शुद्ध भक्त क्यों अपना स्थान क्लीप करे, तो मैं ही चला जाता हूँ। हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद के द्वारा ये जो दिया गया वरदान है हरे कृष्ण आंदोलन का, इसमें जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, मंगल आरती है, भक्तों के संकीर्तन है, ग्रंथों को पढ़ना है, प्रचार करना है, प्रसाद वितरण है, तो इन सब एक्टिविटीज़ में हम जुड़ेंगे इतना ज़्यादा, तो हमारे विद्य में भी जो विषैले साहब ईर्ष्या वाले बैठे हैं तो धीरे धीरे उनका भी सफाया होगा। तो ये जो संदेश है शुद्ध भक्त प्रभुपाद की वाणी है, यही एकमात्र होप है मेरे जैसे कौन हम जैसे कौन केसेस के लिए, तो जिन्हें प्रयास करना चाहिए कि इस वाणी का भागवतम का इन ग्रंथों का हम अधिक से अधिक आश्रय लें, तो जिससे हमारा जीवन भी ये सब अनर्थ द्वेष और कितने कितने अनर्थ हैं तो उससे छूट सके, और दूसरों को भी हम ये अवसर प्रदान कर सके कि वो भी इस विशेष वाणी का लाभ उठा के वो जितने भी उनके निम्न भाव हैं काम क्रोध लोभ द्वेष मत्सर्य, तो इनसे छूट के और ये जो गुरम सुखमय इस्कॉन का वर्ल्ड वो इसमें जुड़ सके। ये एकमात्र होप है। एक बार प्रभुपाद बोले थे कि जैसे एक इस्कॉन यहाँ पर है, इस्कॉन वहाँ भी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो लेकिन वहाँ पर मिस्टर नाय नहीं जा सकते क्योंकि उनके हृदय में द्वेष है, बाकी सब चले जाएंगे जिनके हृदय में द्वेष नहीं होगा। तो भले कितने कितने जन्मों का द्वेष हमारे हृदय में था, लेकिन अभी प्रभुपाद की कृपा से हमें ये महान संदेश मिल रहा है, ये हरे कृष्ण मंत्र जप करने का अवसर मिल रहा है और अन्य अन्य सेवाओं में जुड़ने का अवसर मिल रहा है। तो जितना हम इनमें संलग्न होंगे तो उतनी ही हमारे हृदय से सब दोष निकलेगा और फिर हम फिर प्रभुपाद हमें स्वीकार करेंगे, उनके पास एंट्री है बैकडोर की, तो ले जाएंगे हमें भगवत धाम। ठीक है, तो यहीं पर ही हम विराम करते हैं, किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न श्रीमद्भागवतम की जय। जो प्रभुपाद की जय। और वंदे।